नाउन लेटेस्ट टेक सम प्रॉब्लम्स अब हम यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं <coughs> जैसे हमें ये फर्स्ट प्रॉब्लम गिवन है हमें गिवन है वाई ऑफ टी इज इक्वल टू दिस इज फोर टी स्केयर डेल्टा ऑफ टू टी माइनस फोर ये हमें गिवन है एग्जाम में आपके पास सिर्फ इतना आएगा लिखा रहेगा या तो सोल्व करो या फिर क्या करो इवेल्यूट करो अब ध्यान से देखो अब इस तरह क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे तो इनको हम सोल्व कैसे करेंगे सोल्यूशन सो दिस इज इक्वल टू में फोर टी स्केयर दिस इज डेल्टा ऑफ टू कॉमन हो गया ये हो गया टी माइनस टू सो दिस इज इक्वल टू में फोर टी स्केयर दिस इज़ वन बाई टू इंटो में डेल्टा ऑफ टी माइनस टू ये इसको कैंसिल करेगा टू पे तो ये आ गया टू टी स्केयर इंटो में डेल्टा ऑफ टी माइनस टू अब बताओ अब हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे उस प्रॉपर्टी का नाम है प्रोडक्ट प्रॉपर्टी क्या नाम है प्रोडक्ट प्रॉपर्टी तो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि डेल्टा ऑफ टी माइनस टू तो हमारे पास आएगा ही आएगा ये इन पास कहाँ पे डिफाइन है टू पे तो जहां कहीं भी टू है टी है वहां पे टू पुट कर दो तो टू इंटू में टू का स्कूल दो दुनी चार चार दुनी आठ एट इंटू में डेल्टा ऑफ टी माइनस टू ये अपना आंसर आ गया सही है समझ पा रहे हैं तो इसके बाद सेकेंड हम ले लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास वाई ऑफ टी इज इक्वल टू में दिस इज फोर कोस ऑफ पाई बाई फोर टी इंटू मे डेल्टा ऑफ टू टी माइनस एट इसको हमें सोल्व करना है ठीक है नाउ लेट अस सोल्व दिस तो सेम वही फंडा जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था सोल्यूशन तो दिस इज इक्वल टू में ये अपने पास हो गया फोर कोस ऑफ पाई बाई फोर टी इसको आप कैसे लिखेंगे इसको आप लिखेंगे डेल्टा ऑफ टू कॉमन ये हो गया टी माइनस फोर सो दिस इज इक्वल टू में फोर कोस ऑफ पाई बाई फोर टी इंटो में वन बाई टू इंटो में डेल्टा ऑफ टी माइनस फोर हो गया ये इसको कैंसिल करेगा टू पे सो दिस इज इक्वल टू में टू कोस ऑफ पाई बाई फोर टी इंटो में डेल्टा ऑफ टी माइनस फोर अब हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट प्रॉपर्टी हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके पास तो सेम रहेगा डेल्टा ऑफ टी माइनस फोर और इम्पस कहाँ पे लाई कर रही है फोर पे तो जहाँ कहीं भी टी पे क्या पुट कर दो फोर तो फोर से फोर कट गया क्या बच गया आपके पास कोस पाई कोसपाई क्या होता है माइनस वन तो आंसर आ गया माइनस में टू इंटो में डेल्टा ऑफ टी माइनस फोर ये हमारा आंसर आ गया आई होप यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट का को कोई भी डाउट नहीं होगा सबको क्लियर हो रहा है ये चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं थर्ड क्वेश्चन लेते हैं तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है y ऑफ t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन प्लस वन से लेकर फोर टी प्लस टी स्केयर में हमारे पास कितना है डेल्टा ऑफ टी माइनस थ्री इंटोमेट डी है इसको सोल्व करना है इसके बाद एक अगला क्वेश्चन हो रहा है वो भी मैं ले लेता हूँ यहाँ पे फोर्थ है हमारे पास इंटीग्रेशन जीरो से इन्फ्टी ई की पावर माइनस एल्फा टी स्केयर डेल्टा ऑफ टी प्लस टेन में डी ये हमारे पास है हम इनको सोल्व करना है तो ध्यान दीजिएगा जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आप मुझे बताओ इम्पल्स कहाँ पे लाई कर रही है आपकी जो इम्पल्स लाई कर रही है वो लाई कर रही है टी इजिकल टू थ्री पे तो सबसे पहले देखो टी इजिकल टू थ्री थ्री क्या इस रेंज में आ रहा है बिल्कुल आ रहा है तो सोल्व कर लो या आपके पास कितना हो जाएगा थ्री प्लस में थ्री स्केयर तीन थी नौ नौ और तीन बारह ये इसका आंसर आ गया सही है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में इम्पल्स कहाँ पे लाई कर रही है इम्पल्स आपकी लाई कर रही है टी इजिकल टू माइनस एन पे और इंटीग्रेट कहाँ से कर रहे हैं जीरो से इनफिटी कर रहे हैं वो तो रेंज में आ ही नहीं रहा तो इसका मतलब क्या हुआ इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा जीरो हमारे पास आ जाएगा सही है अब इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं लेट मी टेक अनदर क्वेश्चन सो दिस इज द प्रॉब्लम हमें एक सिग्नल गिवन है वाई ऑफ टी इज इक्वल टू मे दिस इज वन डिवाइड रूट टू पाई इंटीग्रेशन माइनस इनपटी से प्लस इनपी दिस इज टी स्क्वायर इंटू मे एक्सपोनेंशियल माइनस टी स्केयर बाय में टू इंटो में डेल्टा ऑफ वन माइनस टू टी इंटो में डीटी ये क्वेश्चन है इसको हमें सोल्व करना है तो देखो इस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे ध्यान देना इसको ठीक है <coughs> तो यहां पे अपने पास आ जाएगा सोल्यूशन तो वाई ऑफ टी इज इक्वल टू में दिस इज वन डिवाइड बाय में अंडर रूट टू पाई ठीक है इंटीग्रेशन माइनस लिमिट से प्लस लिमिट दिस इज टी स्केयर इंटो में ई की पावर माइनस टी स्केर बाय में टू इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे आप इसको लिखोगे इस तरह से डेल्टा ऑफ माइनस टू टी प्लस वन इंटो में क्या रहेगा डी टी सही है सो दिस इज इक्वल टू में दिस इज वन डिवाइडर रूट टू पाई इंटीग्रेशन माइनस दिस इज टी में ई की पावर माइनस टी स्केयर बाय में टू यहाँ पे मैं माइनस टू लेता हूँ तो so, ये हो जाएगा डेल्टा ऑफ माइनस टू कॉमन सो दिस इज टी माइनस वन बाई टू इंटो में क्या रहेगा डी टी सही है माइनस माइनस मिलके प्लस बना देंगे टू से टू कट गया प्लस वन आ जाएगा सो दिस इज इक्वल टू में वन डिवाइड बाय में अंडर रूट टू पाई इंटीग्रेशन माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी दिस इज टी स्केयर इंटो में ई की पावर माइनस टी स्केयर बाय में टू इंटो में जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो बाहर क्या आएगा वन बाई टू का मोड इसका मोड आ जाएगा तो ये आपके पास तो क्या रहेगा सेम ही रहेगा वन बाई टू और ये हो गया आपके पास डेल्टा ऑफ टी माइनस वन बाई टू इंटो में डी टी ठीक है और इस टू को मैं कहाँ पे लिख लेता हूँ इस टू को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे बाहर ये टू अपने पास बाहर आ गया सही है अब यहाँ पे क्या करो यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर दो तो इम्पल्स कहाँ पे लाई कर रही है इम्पल्स लाई कर रही है टी इजिकल टू वन बाई टू पर तो जहाँ कहीं भी टी है वहाँ पे क्या पुट कर दो वन बाई टू पुट कर दो टी इजिकल टू वन बाय टू आप यहाँ पे पुट कर दो सो दिस इज इक्वल टू मई दिस इज वन डिवाइड मै टू अंडर उड टू पाई ठीक है तो ये हो जाएगा आपके पास वन बाय टू का होल स्केयर इंटो में ई की पावर माइनस वन बाय टू का होल स्केयर बाय में टू तो कितना आ गया बोलो वन बाय 4 फोर चार दूनी आठ तो ये तो आपके पास हो गया वन डिवाइड बाय में एट अंडर रूट टू बाई ठीक है आ, ये बन जाएगा दो दूनी चार चार दूनी आठ तो ये हो गया आपके पास e की पावर माइनस वन बाई एट ये अपना आंसर है सही है तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जो आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी अभी उसके ऊपर हमने क्या किया रिसेंटली यहाँ पे क्वेश्चन लिए तो कितने क्वेश्चन हो गए हमारे पास एक दो तीन चार और ये पांचवा क्वेश्चन इसको हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव ठीक है तो आई होप दोस्तों यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट नहीं होगा